ना केवल रिकॉर्ड बना रहे हैं बल्कि ये जो कनेक्टिविटी है कश्मीर वैली की लद्दाख से उसको हम जोड़ रहे हैं, जिससे वहां के लोगों को, आवाम को बहुत बहुत फायदा होता है ट्रेड कॉमर्स में। और जो हमारी जरूरतें होती हैं, दिनचर्या की जरूरतें होती हैं, वो हमारी जल्दी पूरी होती हैं, क्योंकि आपको मालूम है लद्दाख तकरीबन 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाता था। पिछले साल हमने प्रयत्न करके इसको 6 महीने से 110 दिन किया, जो अपने में स्वयं एक रिकॉर्ड था। इस बार हमने उसको और कम करके 73 डेज 73 दिन कर दिया है, जो एक अनइमेजिनेबल, जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, वैसा दिन है आज। बहुत फायदा होगी सर, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम 72-73 दिन से कारगिल पूरा कश्मीर से कटअप है, पूरा हमारा पूरा, जो पहले तो हम एक ही स्टेट में थे, अब तो यूटी देके हमें बांटा गया है, तो वहाँ से हम बिल्कुल कटअप है। और आपको पता है कि बहुत परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, जब 72 दिन रोड बंद होते हैं, उसके बाद जो हमारा हमें जो N32 कोरियर सर्विस एक रखा गया है, उसमें भी अभी तक कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 5 या 10 फेरे मारे होंगे, क्योंकि उससे भी बड़ा लोग परेशान है कि रोड जल्दी खुले, लोग घर पहुंचे। तो अभी पुलिस का एक रिक्रूटमेंट रैली भी चल रही है, उसमें बहुत सारे बच्चे भी जम्मू में फंसे हैं, कश्मीर में फंसे हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं अगर ये रोड जल्दी खुल जाए तो हम कम से कम बराबर टाइम पर वहाँ पहुँचे, तो वो लोग भी वहाँ भर्ती हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है इसका बेरोज़गारी तो बहुत बड़े हैं हमारे, बहुत पढ़ के बच्चे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि जल्दी ये रोड अगर खुल जाते तो हमारे बहुत अच्छे होंगे।